आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अजय देवगन की अपकमिंग मूवी भोला मूवी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इसका ट्रेलर यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर बेहद ही यहाँ पे एक्शन या फिर आप कह लो कि जो थ्रिलिंग है वो सब कुछ इस मूवी के साथ है। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी कमाल का लगता है। आप आके यहाँ पे गेस ही कर रहे होंगे कि अजय देवगन ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे एक्शन तो बिल्कुल है और यहाँ पे उसके साथ कई सारा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी कमाल का है गाइस। आप आके एक बार इसका टीज़र देख लीजिए, फिर आके यहाँ पे आप आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसा लगा आपको ये टीज़र। यहाँ पे हम देख ही पा रहे होंगे कि भोला, जिसमें आके शिवजी का एक रूप इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि आप टीज़र में देख ही पा रहे होंगे, अजय देवगन ने यहाँ पे अपना जो 90s का आप कह सकते हो कि जो स्टंट्स उन्होंने किया है, जो एक्शन उन्होंने दिया था, उसको वापस फिर से पर्दे पे लेके आना चाहते हैं। और इस मूवी के दौरान आप आके देख ही पा रहे होंगे, एक्शन कमाल का है, उसी के साथ स्टोरी भी अच्छा ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में हम देख ही पा रहे होंगे तब्बू को, जो कि यहाँ पे IPS ऑफिसर है। और उसी के साथ यहाँ पे हम देख ही पा रहे होंगे कि अजय देवगन का दो रूप होता है, जिसमें कि वे आके एक रूप में आके बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और दूसरे जगह पे जब एक्शन का टाइम आता है तो अजय देवगन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुकार नज़र आते हैं। उसी के साथ जो विलन का रोल है वो थोड़ा सा यहाँ पे सही दिखता है, मतलब आके थोड़ा सा आप आके कह सकते हो कि जो विलन का रूप है। और हम लोगों ने यहाँ पे साउथ इंडियन जो मूवीज़ में आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विलन होता है वो थोड़ा सा आके पागल जैसा होता है, सेम उसी तरह का इसमें भी आके देखा गया है विलन को। और अगर आप आके नहीं जानते तो इस मूवी को यहाँ पे कई अलग अलग एक्शन सीक्वेंस से यहाँ पे शूट किया गया है और ये मूवी यहाँ पे 3D में लॉन्च होने वाला है। अगर हम बात करें तो इसका रिलीज डेट यहाँ पे 30 मार्च को रखा गया है, और जिसमें कि हम देख ही पा रहे होंगे कि 3D में है तो IMAX और कई सारे जगहों से इसे प्रोड्यूस किया गया है। और अजय देवगन ने इसे खुद आके अपना प्रोडक्शन हाउस से शुरू किया है। और भी आपको कोई भी राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपने अगर इसका ट्रेलर देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और भी आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।